नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, आसू प्रमुख सुदेश महतो, राजद कोटे से मंत्री सत्यनंद भोक्ता, एनसीपी से कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय, माले विधायक विनोद सिंह मौजूद रहेंगे। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था, जिसको लेकर यह सहमति बनी थी कि झारखंड विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका में हैं, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मिला है। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का जेएमएम और हमारी गठबंधन सरकार पक्षधर है, हम इसका समर्थन करते हैं। यही वजह है कि एक डेलीगेशन अमित शाह से मुलाकात भी करने वाली है। हालांकि बीजेपी से अभी तक किसी भी नेता के शामिल होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर बीजेपी को समर्थन करना चाहिए। बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि वह जनता की बात करती है, लेकिन जनहित मुद्दों पर सरकार के साथ नहीं होती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, तो वही बता सकते हैं अच्छी तरह से। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, हम तो इसके पक्ष में हैं। जातिगत जनगणना होने से एक आंकड़ा उपलब्ध होगा, चाहे राज्य के परिप्रेक्ष्य में हो या देश के परिप्रेक्ष्य में हो, कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में निवास करते हैं, कहाँ पे, तो उस अनुसार उनको उनकी सहभागिता, उनका उन जो हक है वो मिलेगा, तो अच्छी बात है। हम सर्वदलीय एक डेलीगेट जा रहा है, माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करने समय भी मिल चुका है, और मेरी तो यही अपील रहेगी कि सभी दलों के लोगों को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर राज्य की जनता के प्रति अगर संवेदनशील हैं, राज्य की जनता के हित में सोचते हैं, तो सिर्फ जातिगत जनगणना की ही बात नहीं है, और भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर वहाँ बात होनी है। वही झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, भाजपा को जातिगत जनगणना में सहयोग करनी चाहिए। 17 साल तक झारखंड में उनकी राज रही है, 12 सांसद भाजपा के यहां से जनता ने दी है, जो डेलीगेशन गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई मसले हैं। ओबीसी का आरक्षण, 27%, जातिगत जनगणना, सरना कोर्ट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को इन सब पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर केंद्र सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, इसके पीछे का आधार क्या है? देखिए, इसके पीछे का आधार जो समझ में आता है वह यह है कि जातीय जनगणना दलित और आदिवासी समुदाय के बीच होती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की यह मानसिकता दलितों के प्रति और आदिवासी समाज के प्रति यह साफ प्रदर्शित होता है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो समाज से उत्थान की आस रखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कटौती करने का यह प्रयास कर रही है। क्योंकि जातीय जनगणना जब इस देश में बाघ और शेर का हो सकता है, तो फिर जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकता? जातीय जनगणना का दूसरा पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती कि इस देश में जातीय जनगणना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख का कई बार इस तरह का बयान आया है कि हम इस देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति में हमें खोट लगती है।